आज सुबह हरियाणा रोडवेज वालों ने आईटीआई वालों को मारने का पूरा पूरा प्लान बना लिया था। बच्चे खिड़की में लटके हुए थे, ये ड्राइवर को मालूम था। उसके बावजूद भी उसने दूसरी बस के बिल्कुल नज़दीक से बस निकाली और पीछे की खिड़की में जो बच्चे लटके हुए थे वो दोनों बसों के बीच में आ गए, जिसमें से एक के तो घुटने में चोट आई और दूसरे का लक बिल्कुल डैमेज हो गया। कह रहे हैं अभी उससे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, ना ही वो चल पा रहा है। अब उसकी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई एकदम। उसके बावजूद भी वो ड्राइवर मानने को तैयार नहीं है अपनी गलती, और जो दूसरे ड्राइवर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये आईटीआई वाले बच्चे सर्विस मांग रहे हैं। अब ये सर्विस या तो उनको खुद के बच्चे इनमें आईटीआई में लगाए और इन बसों में धक्के खाने के लिए छोड़े, फिर तो पता लगे भी आईटीआई वाले सर्विस मांग रहे हैं या हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी सर्विस मांग रहे हैं। हरियाणा पूरे हरियाणा में आईटीआई बच्चों को कोई इज्जत नहीं देता। बस अगर कोई बच्चा खड़ा दिख जाए तो भगा लेते हैं उसको, चढ़ाते नहीं हैं, भगा लेते हैं, और उसके बावजूद ही बच्चों की कमी निकालते हैं।